हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट जिसका नाम है उषा जेनोम ऑटोमेटिक स्विंग मशीन। आज की बात करें तो हर घर में हमें इसकी ज़रूरत है। एक स्विंग मशीन तो होनी ही चाहिए। पहले के ज़माने में मैनुअल मशीन होती थी, अब हम ऑटोमेटिक मशीन से अपने सारे काम कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस प्रोडक्ट का फुल ओवरव्यू देखते हैं। मेरे साथ है मेरी एक दोस्त जो कि इस मशीन को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हैं, इसके सारे फंक्शंस इन्होंने ट्राई किए हुए हैं, तो ये हमें बहुत अच्छे से एक एक चीज़ हमें बता सकते हैं। तो हाय, आप ज़रा बताएंगे कि इस मशीन के साथ हमें क्या क्या मिलता है? जी, तो आज हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है उषा जेनोम, जिसका मॉडल है एक्जिला DLX। इसके कई मॉडल्स आते हैं। एक्जिला DLX का जो MRP है आपको अराउंड 16,000 के अराउंड आएगा, और डिस्काउंट प्राइस में आपको अराउंड 13K के अराउंड आपको ये मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप शॉप से, उषा का जो शोरूम है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसके साथ जो है आपको पहला जो है मशीन के साथ एक कवर आएगा, और ये बहुत ही लाइट वेट मशीन है, तो इसके साथ आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ एक हैंडल रहता है, ठीक है। तो बहुत ही लाइट वेट है, इसे आप बाहर भी यूज़ कर सकते हैं या इंडोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है तो आपको जो है प्लग इन करने के लिए सॉकेट का ज़रूरत होता है। अब इसके साथ हम देखेंगे, जब आप इसे परचेज करेंगे तो आपके साथ ये सारे अटैचमेंट्स इसके साथ आपको अवेलेबल होंगे, और एक इंस्ट्रक्शन बुक आएगा, ठीक है। बहुत ही इजी है इसे ऑपरेट करना। आप इंस्ट्रक्शन को बुक को यहाँ फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको YouTube पे भी जो है इसका डेमो आराम से मिल जाएगा, या फिर जब आप इसे शॉप से परचेज़ करते हैं तो उसके साथ जो है इंस्ट्रक्टर का भी नंबर वो देते हैं जिससे आप बुक कर सकते हैं, और वो आपको आके फ्री में डेमो दे देंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट्स आते हैं। जो पहला अटैचमेंट है ये आप ऑल पर्पज़ जो भी स्टिचिंग, नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक ये अटैचमेंट होता है, इसे जिपर अटैचमेंट कहते हैं। जैसे अगर आपको कोई चेन लगाना है, जिप लगाना है, तो उसमें ये सिंगल साइड से रहता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको कहीं लेस लगाना है तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये एक साइड से ओपन होना चाहिए, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है जब हम पिको करते हैं साड़ी में, तो या कोई भी बॉर्डर को पिको करते हैं उसके लिए होता है, जिसमें ऐसे ये राउंडेड रहता है, ठीक है। और ये जो है ये है आपका बटन ओपनर रहता है। जब भी हम बटन लगाते हैं उसके लिए आप ये वाला अटैचमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें ये मार्किंग्स होते हैं, तो कितने डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे लगाना है उसके लिए हम ये अटैचमेंट यूज़ करेंगे, और बटन ओपनर के लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जैसे हम ब्लाउज में तुरपाई करते हैं उसके लिए ये होता है, और जैसे आप ये बुक में भी देख सकते हैं दिया गया है कि क्या क्या इसके साथ रहता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, ये है ब्लाइंड हेम फुट कहते हैं इसे, ठीक है। तो जैसे तुरपाई उरपाई करने के काम आता है ये। जनरली हम ब्लाउज में ऐसे हाथ से तुरपाई करते हैं, पर इस मशीन का एडवांटेज है कि आपके साथ अटैचमेंट है जिससे आप कर सकते हैं। बहुत सारे मशीन में आपको ये पिको के लिए अटैचमेंट नहीं मिलता है, जो हम ऐसे मैनुअल वाला करते हैं, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। और ये है स्क्रू ड्राइवर इसके साथ, ठीक है। तो ये सारे अटैचमेंट्स आते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको जो एक ऐसा किट आता है, ठीक है, ये इसके साथ मुझे फ्री मिला था, ऑफर में था, इसलिए अभी आप देख सकते हैं कि ऑफर में है कि नहीं। इसके साथ आपको ये बटन्स मिलते हैं, ठीक है, और ये बॉबिन आता है, ठीक है, जिसमें हम थ्रेड लोड करते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि हम इसे कैसे ऑपरेट करेंगे। चलिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे, मतलब अगर हम इसे एक स्विंग मशीन को घर में रख लें तो काफ़ी चीज़ें हम खुद से भी कर सकते हैं, बिकॉज आजकल हम बाहर नहीं जाते हैं, समय नहीं मिलता है, या हमें अचानक पता चलता है कि हमें ये काम करना है तो फिर हम जो है ढूंढते रहते हैं टेलर की शॉप वगैरह, तो ये काफ़ी हमारे लिए हेक्टिक हो जाता है। ये बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम एक ये ऑटोमेटिक स्विंग मशीन रख लें, सिर्फ प्लग एंड प्ले का खेल है, राइट? जी जी, बिल्कुल, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, इसके लिए कोई मतलब से प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो चलिए, जैसे ये बॉबिन है इसमें थ्रेड लोडेड है, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले थ्रेड लोड कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ एक ये है जो ये इस तरह से आप स्लाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बॉबिन को आप यहाँ लगाएंगे,
ठीक है। फिर जो थ्रेड है आप उसको ऐसे लेंगे, ठीक है, इस साइड से। फिर थ्रेड को यहाँ हमें इस तरह से राउंड करके इसे लेना है, और ये जो बॉबिन है देख लेते हम थ्रेड का साइड की तरह, हाँ, तो इस तरफ से, जिस तरफ से थ्रेड का डायरेक्शन है ऑलरेडी लोडेड, उसी तरफ से एक दो बार जो है हम इसे ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम ऐसा लगा लेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें ना, लोड करते वक्त क्या होता है नीचे हो जाता है और इसमें नहीं होता है, तो उसका ये आपको देखना है कि जिस साइड आप थ्रेड का ये आ रहा है ना, देखिए जिस साइड से आपका थ्रेड है उसी साइड से, मतलब ये दोनों का साइड एक तरफ होना चाहिए, आउटर नहीं होना चाहिए, इनवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, बॉबिन में भी और थ्रेड में भी, ये मतलब मेरा एक ट्रिक है याद रखने के लिए। फिर इसको हम ऐसे स्लाइड कर लेंगे, ठीक है, लॉक हो गया, स्विच ऑन कर लेंगे, और उसके बाद जब हम बॉबिन को लोड कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये पुल करने के लिए दिया गया है, ये अंदर जाता है और पुल, जब पुल करते हैं तो नीडल काम नहीं करेगा, ठीक है, पुल हम तब करते हैं जब हमें बॉबिन को लोड करना होता है। प्लस इसके साथ आप जो हम इसे ऑपरेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए फुट पैड आता है, ठीक है, इसे इसे जब प्रेस करेंगे तो ये चलता है, जैसे इसके साथ एक LED लाइट है, ठीक है, यहाँ से स्विच है, आप देख सकते हैं ये स्विच है, इसको हमें ऑन करना होता है, ऑन करते ही, और ये देखिए ये कॉर्ड है जो अटैच्ड है आपका प्लग से, ठीक है, तो स्विच ऑन करते ही यहाँ लाइट जल जाती है, एक अच्छी बात है जो हमें मैनुअल मशीन में नहीं मिलता, ठीक है, और इसे आपको फुट से जब प्रेस करेंगे ना तो ये चलता है, देख रहे हैं आप। तो इसमें क्या करना, जब आप थ्रेड लोड कर रहे हैं तो आपको थ्रेड को हल्के ऐसे हाथों से पकड़ के रखना है, ठीक है, और उसके बाद ऐसे चलाएं, देखिए थ्रेड लोड हो रहा है, देख रहे हैं, तो इस तरह से आपको लोड कर लेना है। फिर इसे यहाँ से स्लाइड करके निकाल कर सीजर के हेल्प से इसे थोड़ा सा लंबा इस तरह से यहाँ से काट लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंडेड होना चाहिए। ये तो काफ़ी आसान हो गया, मतलब हम अगर मैनुअल मशीन की बात करें तो उसमें हमें कितना कितनी दिक्कत होती थी, कितना हमारा मतलब एफर्ट लगता था, दोनों पैरों का इस्तेमाल होता था, यहाँ मैं देख सकती हूँ कि एक सिंगल फुट से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इससे प्लग एंड प्ले का खेल है। जी जी बिल्कुल, अब देखिए जैसे मैंने ये बॉबिन लिया और ये थ्रेड ऐसे एक्सटेंडेड है, ये यहाँ से ऐसे ओपन होता है, ठीक है, ये निकल जाता है, क्यों निकलता है, क्योंकि इस पोर्शन में अगर आपको जैसे जीन्स का जो नीचे का पार्ट रहता है ना, पैर का जो रहता है, तो वो राउंड रहता है, जीन्स लेगिंग्स कुछ भी, तो उसको यहाँ घुसा के राउंड राउंड अगर हमें सिलाई किसी भी चीज़ को करना है उसके लिए होता है, ठीक है, क्लोज सिलाई के लिए। अब जैसे हमने उस अटैचमेंट को खोला, फिर हमें इसे ऐसे नीचे करना है, ठीक है, अब अंदर देखिए ये एक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसे यहाँ ऐसे पुल करेंगे हाथ से और इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब जो हमने ये बॉबिन में थ्रेड लोड किया है उसे इसके अंदर डालेंगे, और फिर यहाँ देखिए एक ये ऐसे होल दिख रहा है आपको, कट मार्क, ठीक है, उसमें से हम थ्रेड को ऐसे लेकर जाएंगे और फिर यहाँ जैसे डायरेक्शन बना हुआ इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखिए अंदर देखिए आप यहाँ पर जो है एक ऐसा होल सा बना हुआ है, ये जो पोर्शन है वो यहाँ जाके अटैच होगा, ऐसे डालकर इसे ऐसे प्रेस करने, देखिए आवाज़ आया है ना, इसका मतलब ये सेट हो गया है इसमें, अब ये नहीं निकलेगा, ठीक है, फिर उससे जी लॉक हो गया, उसके बाद फिर हम इस तरह से इसको क्लोज कर लेंगे और इसे हम अभी ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। अब जो है हमें थ्रेड को जो है निडल में डालना है, तो इसके लिए हम यहाँ जो आप देख रहे हैं पहले थ्रेड इसमें जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ जैसे ऐसे ग्रूव्स बने हैं और यहाँ देखिए ऐसे एरो बना हुआ है यू टर्न, तो अपवर्ड्स हम ऐसे लेंगे और ये जो है हैंडल आप देख रहे हैं, इसको घुमाने से, ये जब आप घुमाएंगे तो यहाँ पर जो है ये एक ऐसे बाहर निकल कर आता है, ठीक है, तो उसको अंदर से बाहर की तरह से थ्रेड इसके अंदर घुसा देंगे, ठीक है, फिर इसे ऐसे ही नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा, और फिर ये है जिसमें हम पहले थ्रेड घुसेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है जिसमें हम थ्रेड को घुसाएंगे, ठीक है, पहले यहाँ घुसा फिर यहाँ घुसा, उसके बाद
अच्छा, इसमें क्या है, एक तो है जैसे हम हाथ से इसको यहाँ पे, इसमें स्ट्रेट रहता है होल, तो आप इस तरह से हाथ से इसमें घुसा सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये ऑटोमेटिक थ्रेड का सिस्टम है जो आपको मैनुअल में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक थ्रेड का है, इस पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे इसे फिक्स करके आप इसमें घुसा सकते हैं, पर जिनका जैसे आई साइट अगर ठीक है तो वैसे हाथ से भी घुसा सकते हैं। और इतनी अच्छी लाइट मिली हुई है हमें यहाँ पे, जो कि थ्रेड को निडल में डालने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये इसका एडवांटेज है, ये सब अभी नया टेक्नोलॉजी है तो ये सब एडवांटेजेस है मैनुअल में। अब हमने इसको लगा लिया, उसके बाद हम इसमें जो है जो रेगुलर यूज़ वाला अटैचमेंट है, ठीक है, इसको कैसे अटैच करेंगे, इसको हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे जो ये है इस तरह से रखना है, यहाँ पे एक आप देखेंगे, ठीक है, एक ये इस तरह से अप डाउन होता है और एक यहाँ पे एक है जिसको हम ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एक रहता है, इसको हम जैसे यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, ये हो गया अटैच, अब ये इसके साथ ही उठेगा, ठीक है। तो यहाँ से इस अटैचमेंट को बहुत इजी है अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम एक क्लॉथ ले लेते हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम अगर नॉर्मल स्टिचिंग करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने सेट क्या करके रखा है, ये 9x2 तो मैंने ए पे रखा है और 3 पे रखा है। ये सब होता है जो स्टिचिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है वो 1, 2, 3, 4 ऐसा ग्रेडिंग उसको बताता है, ठीक है। ए पे देखिए कैसा स्टिचिंग आता है, यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो हम करते हैं डेली यूज़ में, है ना, ठीक है। और ये होल मान लीजिए आप यहाँ पे जो ये नीडल का पोजीशन बीच में है नीडल का, ठीक है। और बी में क्या होगा, थोड़ा साइडवेज अगर करना है नीडल को और स्टिचिंग करनी है तो हम बी नॉब का यूज़ करेंगे। फिर अगर हमें ऐसे जिगजैग चाहिए तो हम सी के लिए करेंगे। तो ये सारे डिज़ाइंस हैं, ठीक है, इतने सारे डिजाइन इसके साथ अवेलेबल है। चलिए तो हम पहला हम ए पे देखते हैं कैसे करना है। आई थिंक हम डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे नीचे कर दिया, ये चलिए यहाँ पे ऐसे लॉक हो गया, ठीक है। फिर हम इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। आई थिंक इसमें टाइम भी बहुत कम लगा, मतलब अगर हम मैनुअल मशीन से कंपेयर करें तो टाइम का तो मतलब हम कितनी भी सिलाई बहुत जल्दी कर सकते हैं। बहुत फास्ट है ये, ठीक है। देखिए ये किस तरह से आया, कितने फाइन तरीके से जो है इसमें स्टिचिंग आई है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो हमने जैसे देख लिया ए पे कैसा स्टिचिंग आता है, अब जो है बी पे तो साइडवेज है यही नॉर्मल स्टिचिंग आता है, अब हम देखते हैं इसे सी पे कैसे, ये जिगजैग वाला हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हम पिको विको करते हैं तो हमें फिर ऐसा जिगजैग वाला स्टिचिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, या इंटरलॉक करते हैं। तो देखिए तो हम इसको यहाँ से नॉब को हम पहले सी पे, ये जो पॉइंट है ना मार्किंग, यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। हम 3 पे रखते हैं, वो स्टिचिंग का डिस्टेंस है। तो चलिए देख रहे हैं नीडल कैसे मूव कर रहा है, देखिए कितना सुंदर इसमें स्टिचिंग आया है, देख रहे हैं कितना फाइन वर्क है। तो बहुत इजी है यूज़ करना, सिर्फ इसमें सेटिंग्स का फेर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है ये सारे जो है स्टिचिंग्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है जब हमें बैकवर्ड स्टिचिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें किसी एंड पे हमें लॉक करना होता है तब हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैकवर्ड चलता है, जैसे देखिए कहीं पे हमें लॉक करना है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे लॉक करना है तो हमें इसे ऐसे हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे और इसको हम ए पे ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम चलाएँगे, देखिए बैकवर्ड देख रहे हैं, बैकवर्ड ऐसे स्टिचिंग होगा, ये मोस्टली जो एंड्स को है ना लॉक करने के काम आता है, ये फॉरवर्ड में आएगा और ये बैकवर्ड में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है डेली यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा अटैचमेंट लगाकर, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे कैसे, तो हमने पहले जो है ये वाला जो है इसको जो है हमने
आप यहाँ जो देख रहे हैं इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये अटैचमेंट भी ऊपर चला गया, नीडल भी, नीडल को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको ऐसे करेंगे तो ये गिर जाता है। ठीक है, सिंपल है, इसको हमने निकाल लिया। उसके बाद जैसे देखिए पिको का बहुत लोगों का रहता है कि पिको कैसे करना है, तो आप ये वाला अटैचमेंट लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, बस ये हो गया फिक्स, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम जैसे मान लेते हैं इसमें हमें पिको करना है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से पहले यहाँ पर एंड पे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सी सेटिंग्स में रख लेती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे उठाना होता है जब हम पिको करते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से इसे उठाकर हम जो है इसे इस तरह से इसको साड़ी में ऐसे इस तरह से हम साड़ी या दुपट्टा में ऐसे इस तरह से पिको कर सकते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से पिको हो गया। आप घर बैठे इसे कर सकते हैं, एक ही मशीन में इतने सारे फंक्शंस हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो मेनली हमें डेली यूज़ में आते हैं, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डिटेल्ड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बताएंगे हर अटैचमेंट का यूज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये हमारे घर में तो सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो गया, मतलब इतनी सारे फंक्शंस हमने देख लिए जो कि मैनुअल मशीन्स में बड़ी दिक्कत होती थी, और एफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि ऑटोमेटिक है, एक फुट से हमने इसको ऑपरेट कर लिया, और स्पीड भी इतनी फास्ट कि मतलब हम कितनी भी सिलाई कर लें हमें पता नहीं चलेगा समय का। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, और ये बहुत लाइट वेट भी है, और इसको हम कहीं भी आराम से टेबल वगैरह पे प्लेस करके बस प्लग एंड प्ले करें और फिर अपना काम कर सकते हैं। तो ये ऐसी मशीन है जो हर घर में होनी चाहिए, और जो भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम रहता है, नॉर्मल ऑल्टरेशन हो गया या स्टिचिंग हो गया, हम घर में ही कर सकते हैं, हमें टेलर की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर लॉकडाउन में जो है आप इसका बहुत अच्छे तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक मस्ट बाय है। और इसके और भी मॉडल्स हैं, अगर आपको और भी स्टिचिंग डिज़ाइंस चाहिए तो आप इससे जो है एक एबव मॉडल में उषा के जा सकते हैं। उषा एक ट्रस्टेड ब्रांड है और ये सालों से ही यूज़ करते हैं, मतलब बहुत पुराना ब्रांड है, तो आप इसके लिए बेझिझक जो है जा सकते हैं और इसे परचेज कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने स्विंग मशीन में उषा का नाम ही सुना है और ये काफ़ी अच्छा है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने जान पहचान के लोगों में शेयर करें। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा, इसका लिंक हम आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और वहाँ काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम अदर कोई प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।